भिवानी के भीम स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सुबह 6:05 पर योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इसी कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6:40 पर ऑनलाइन माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जनता को संबोधित किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 337 आयुष केंद्रों की आधारशिला भिवानी के भीम स्टेडियम से रखी। मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि अग्निपथ में 4 नौकरी करने के बाद जो युवा लौट कर वापस आएंगे उनको हरियाणा सरकार गारंटीड नौकरी देगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने योग के फायदे गिनाए तथा योग के विभिन्न क्रियाओं को स्कूली बच्चों के साथ मिलकर किया। 17.5 से 21 साल तक, इस बार तो 23 साल रखी है क्योंकि कोविड के 2 की छूट भी दी गई है, लेकिन आगे 21 साल तक के युवक ये सीधा देश की रक्षा सुरक्षा के लिए, अपने ट्रेनिंग के लिए, अपने विकास के लिए और सेना के यानी अग्निपथ योजना में जाकर अपने आप को भर्ती कर सकते हैं। हम लोग अपने हरियाणा के अंदर जो नौकरियां देते हैं, हम भी 10 प्रकार के उनके टेस्ट लेते हैं, ट्रेनिंग कराते हैं, सब कराते हैं। हमको ये ध्यान में आया कि इतनी बड़ी संख्या तो है नहीं जो वापस आएगी। हर साल आज से 4 के बाद पहली भर्ती इस साल होगी, तो 4 के बाद उसमें से 75% जो लोग वापस आएंगे उनको हरियाणा सरकार की नौकरियों में यानी उनको खपाना, उनको लेना, उनको सुरक्षित नौकरी देना ये बहुत कठिन नहीं है। तो मैं आज घोषणा करता हूं कि जो लोग चाहेंगे हरियाणा सरकार की नौकरी में आने के लिए उन सबको गारंटेड नौकरी दी जाएगी, कोई खाली नहीं रहेगा, इसके हम गारंटी लेते हैं। ग्रुप सी की नौकरी में जो भी किसी कैडर में भर्ती होना चाहे भर्ती हो जाए, और नहीं तो हमारी पुलिस की नौकरी ऐसी है गारंटेड उसको जरूर मिलेगी। ताजा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।